अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर सुमन मंगलसूत्र पहनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनेगी। बस, नहीं बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। आज तुमने ये सारी बातें कर हमारी आत्मा को छलनी कर दिया है। बस करो प्लीज। अंशुमन जी, आज नंदन ने हमारी मांग, हमारी मर्यादा पर हाथ डाल दिया है। आज इसने पूरे परिवार के सामने वो करने की कोशिश की जैसे करने का दुस्साहस कभी दुशासन ने किया था। भरी पूरा सभा में सबके सामने, वो भी वहां सब चुप थे। और यहाँ अंशुमन जी, आज नंदन ने सबके सामने हमारे सुहाग की निशानी को नीचा दिखाया है, हमारे मंगलसूत्र की पवित्रता का अपमान किया है, हमारे रिश्ते का अपमान किया है, हमारी मान मर्यादा सम्मान सबको तार तार करके रख दिया है। अंशुमन जी, आपको हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारी पत्नी होने की गरिमा हमें लौटानी होगी। आपको पूरे परिवार के सामने हमें यह मंगलसूत्र वापस पहनाना होगा। आज आधी रात तक का समय आपके पास, आधी रात को तारीख बदलने से पहले आपको हमें हमारा मान वापस देना होगा। आज हमारे अंशुमन जी को अपनी सुमन के लिए इतना करना ही होगा। ऐसा ही होगा सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बहुत हो गया, अब तुम मेरे बर्दाश्त के भी बाहर हो गए। आज फैसला हो ही जाए। रुक जाइए सुंदर बाबू, ये है वकील साहिबा और ये नंदन, इन दोनों की मिली भगत है ये छुपकर इस मोबाइल पे आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। नंदन ने पहले अपने वकील को यहाँ बुलाया और फिर नंदन ने आपको भड़काया ताकि आपको इतना गुस्सा आ जाए कि आप वही करने लगे जो ये चाहता है, और फिर सब सबूत इकट्ठा करने के बाद ये आपको जेल भिजवा देते हैं। आप अगर आज सुमन के पास चले जाते तो ये आपको सुमन से उतना ही दूर कर देता। क्या आप ये चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं सुमन बाबू, आप चाहते हैं क्या ये? लेकिन नाना जी, आपने देखा ये किस तरह सारी सीमा लांघ रहा है? यही तो वो चाहता है कि आप भी अपनी सीमाएं लांघ लें और आप जोश में अपना होश खो बैठे। फिर क्या होगा? फिर आपको जेल हो जाएगी अंशुमन बाबू, और उसके बाद आपकी पीठ के पीछे वो सुमन के साथ क्या क्या करेगा हम सोच भी नहीं सकते। क्या यही सोचकर बिहाया था हमने सुमन को आपके साथ? मैंने सुमन का हाथ आपके हाथ में दिया था अंशुमन बाबू, ये सोचकर कि आप बहुत ही सुलझे हुए लड़के हैं, आप परिस्थिति को पहचान सकते हैं। बहादुर खानदान को खत्म करके ही दम लेगी ये लड़की तो। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सुने थे ये? आज देख भी लिए। भला कोई सोचा था कि राय बहादुर खानदान को एक दिन ऐसा दिन देखना पड़ेगा? अग्नि है वो हमारी, बाकी अच्छा होता कि जन्मते ही जहर दे देते, ये बखेड़ा देखने से बच जाते। सही कह रहे हैं, चलिए। बार तुम्हें कहा, बात समझ में नहीं आती? मेरी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है तुम्हारे लिए। प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी से दफा हो जाओगे।
मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ भी हो जाए वो आएंगे जरूर, लेकिन इस बार आएंगे तो मेरे बिछाए हुए जाल में फंसेंगे और उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। Just wait and watch. Don't worry. अंशुमन बेटा तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, रंगे हाथों पकड़ना चाहता है वो तुम्हें। जिस तरह तुमने इस लीगल नोटिस का एक तोड़ निकाला है घर के अंदर आने के लिए, ठीक उसी तरह हालात को समझो, परखो, उसके बाद कानूनी तरीके से कोई तोड़ निकलने का थोड़ा इंतजार करो। आप मुझसे चाहते क्या है पापा? वहां नंदन अपनी सारी हदें पार करता रहे और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं, कुछ ना करूं। अरे ये क्या किया आपने? बेटा खून आ रहा है, देखो ऐसी चोट लग गई है। सुरभि माँ, हमें पूरा विश्वास है अपने अंशुमन जी पर, वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। हम जानते हैं हमने अंशुमन जी को समय की सीमा में बांध दिया, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं सुमन, नंदन की बदतमीजियों की वजह से तुम्हें यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन बेटा हम अंशुमन को भी जानते हैं। अगर उसने तुमसे वादा किया है तो समय सीमा पूरी होने से पहले वो जरूर आएगा, विश्वास रखो। और नंदन भी यही चाहता है। हम अभी आते हैं। छोटका बाबा क्या कर रहे हो? नजर बड़ी माँ, अब सब पर नजर रहेगी मेरी। मतलब का? आशीर्वाद दीजिए बड़ी। खुश रहो, खुश रहो। काफी हैं जो मुझे समझती हैं, जो मेरे अंदर की फीलिंग्स को, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ सकती हैं। आगे तो कोई समझता भी नहीं। अब बताइए ना बड़ी माँ, ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये गलत थोड़ी ना है, सही तो कर रहा हूँ। सुमन मेरी पत्नी है, मैं इस घर का बेटा हूँ। बड़ी माँ कुछ भी हो जाए, बिपिन ने जो ये वादा किया है ना वो मैं पूरा नहीं होने दे सकता। चटके बाबा वो तो हम भी पूरा नहीं होने देंगे, पर ये ससुरा क्या करेगा उसमें? करेगा ना बड़ी माँ, सब पर नजर रखेगा। बस आप इतना समझ लीजिए ये मेरा जासूस है जिसकी नजर से कोई नहीं बच पाएगा। विधाता करे तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाए। हमें अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास है सुरभि माँ, इन्होंने हर युग में सच का साथ दिया है, सही रास्ता दिखाया है। आज हमें और अंशुमन जी को हमारे कान्हा जी सही रास्ता दिखाएंगे। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम। मैंने सुमन से वादा किया है पापा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे हर हाल में अपना वादा निभाना होगा। देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।